watching SK show on ATV Gulbarga. So munawwar sir, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑडियंस का टाइम हो गया सवाल लेने का, तो मैं सबसे पहले फिर सवाल लेना चाहूँगा कि हमारे भाई यहाँ पर काफ़ी क्रशली से सवाल करना चाहेंगे, तो आपका क्या सवाल है आप पूछिए। स्टूडेंट के लिए फिटनेस के लिए ये लिया जाता है क्लास, क्या आपके पास है? और सर से एक क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन के लिए और क्या खास बात है? जैसे कि मुनव्वर सर आप देख रहे हैं कि अभी हम हमारे पास जो कि ऑडियंस से सवाल जो है कि LKG यानी बेसिक क्लासेस जो होती है शुरुआती तौर पर, उनके लिए आपके पास किस तरह के फैसिलिटीज़ और एजुकेशन आप प्रोवाइड करेंगे? और दूसरा सवाल ये था कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल जैसे कि फर्स्ट टू सेवन तक जी के आपके पास क्या स्पेशलिटी है कि लोग आपके यहाँ पर एडमिशन लें? जी बिल्कुल सही जी। पहला सवाल जो है प्राइमरी के अलावा उनकी बात में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं प्राइमरी सेक्शंस के लिए, और ऑडियो विजुअल जो है क्लिप्स दिखाए जाते हैं बच्चों को, LKG UKG राइम्स याद दिलाते हैं, और एक्शन के अलावा उनको जो है ना बाय हार्ट याद दिलाते हैं कि घर में जाके बच्चे भी जो है ना अपने पेरेंट्स को दिखाएं। और दूसरा सवाल भाई ने किया था कि फर्स्ट से लेके सेवन तक अपने पास क्या है, तो हमारे पास दीनी माहौल भी है जैसे कि SK सर भी जो है ना प्रोवाइड करते हैं उर्दू बुक्स, और हमारे पास दीन और दुनिया दोनों भी हैं। बिल्कुल, और उसके अलावा दीन के अलावा एजुकेशन मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल भी हैं यहाँ पर कि मॉरल एजुकेशन के नाम पर भी वो लोग भी बहुत सारा ले रहे थे। आपका और क्या खास है आपके स्कूल में? देखिए हम लोग जो है ना बच्चों को दीनी माहौल में ऐसा ढालना चाह रहे हैं कि जो है ना उनको बेसिक, आजकल के लोगों को यहाँ तक के बड़े लोगों को भी उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पर एक आपको रोकना चाहूँगा कि मॉरल एजुकेशन की तो मदरसे भी है ना? जी मदरसे भी हैं, लेकिन यहाँ पे तो दीनी तौर पे तवज्जो दी जा रही है, वहाँ पे दीन आपके पास इसके खास है, तो वहाँ पे दीन है तो यहाँ पे दुनिया दीन और दुनिया दोनों है यहाँ पे। नहीं वही तो खास है कि अपना बच्चा जो है कोई चाहता है कि आपके पास एडमिशन लाए तो प्राइमरी बुनियादी, किसी ने कहा भाई कि बच्चा जो कम शेप में होता है अगर जैसे कि क्राफ्ट हम करते हैं तो अच्छा शेप बाद में आ जाता है, यानी बेस बुनियाद अच्छी रही। हमारे भाई का सवाल इस तरह का माना ये है कि बुनियाद अच्छी रही तो तामीर भी अच्छी होती है आपकी बिल्डिंग जो है, तो वो आपका वो सवाल ये है कि आप भी जो बता रहे हैं आपके जवाब से तो मैं ये समझ लूंगा कि भाई आप मदरसे के तालुक से नहीं, नहीं मदरसे के तालुक से नहीं, यहाँ पे जो है ना जैसे भाई ने किया है कि जो सवाल यहाँ पे आपके पास क्या है, लेकिन हमारे पास जो है ना बच्चों को देने के लिए दीन और दुनिया दोनों भी है, क्योंकि मॉरल एजुकेशन ऐसा है बच्चों को वजू का तरीका, नमाज का तरीका वो भी जो है ना यहाँ पे सिखाया जाता है। अच्छा एजुकेशन तालीम के साथ साथ यानी मॉडर्न एजुकेशन का और प्लस आपके जो है मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो है मॉरल एजुकेशन भी है, और आपका बोलना ये था कि आपके यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस का भी बच्चों को ये है कि आपके दौड़ती हुई रफ्तार में, तो इन सारे चीज़ों से आपका जो टाउन बच्चों में रहा कि बच्चों को आम लोगों के तक पहुँच सके। तो मुनव्वर सर एक चंद सवाल ये है कि आप जो है अपने इदारों के लिए बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या काम करते हैं? जी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो है ना क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि आपने खुद जो है ना प्रोवाइड किया है क्रिकेट टूर्नामेंट और क्विज कॉम्पिटिशन ड्राइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम लोग जो है ना बच्चों को क्विज कॉम्पिटिशन में बाहर अलाउ करते हैं, और माशाल्लाह जो है ना वहाँ पर विनर्स भी हो चुके हैं हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, और क्रिकेट में हर फील्ड में जो है ना स्टूडेंट्स जाते हैं, यानी बच्चे स्पोर्टिव स्पिरिट भी जो चलना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी बच्चों को डेवलप किए करना चाह रहे हैं, यानी टैलेंटेड स्टूडेंट जैसे कि साइंस टैलेंट है या कोई स्टूडेंट हर फील्ड में आपका ये करना चाह रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत खुशी हुई कि आज आपने इतना बड़ा कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आप हमारे स्टूडियो पर मौजूद रहें। तो मुनव्वर सर हमारे ऑडियंस के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? जी मेरा मैसेज ये है कि जो है ना हमारे पास नो डोनेशन फ्री एडमिशन है, और यहाँ पे जो है ना आपको अफोर्डेबल फीस है जो कोई भी जो है ना आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा और क्या बोलना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स बच्चों को जो K-10 हो रहा है उनके बच्चों को क्या कहना चाहिए आपको? तो काफ़ी दुबई और जाते हो तो यंग बच्चों के लिए क्या मैसेज है? जी जहाँ भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं उनको बेस्ट ऑफ लॉक, अपना फ्यूचर ब्राइट करिए और हमसे जुड़िए, और हमारे जो है स्कूल से जुड़ने के बाद अपना भी फ्यूचर ब्राइट करिए। थैंक यू।
شیخ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو کے موجود رہے جی شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی دیے اور آپ کے مقصد میں کامیاب بھی رہے اب بس دعا کریں گے کہ آپ کے نمبر آف ایڈمیشنس ہو کافی آڈینس دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پر آج کی جو شو پہ محمد منور صاحب موجود تھے جو کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے یہاں پر فری ڈونیشن ہے اور نو ایڈمیشن جو ہے فری آف کاسٹ ہے وتھ افورڈیبل فی اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام گلبرگہ کے جو بھی اکنامک لوگ والے یا رہتے ہیں تو آپ بڑھ چڑھ کر آپ اپنے آکسفورڈ انگلش میڈیم اسکول سے جڑے رہیں اور اپنا ایجوکیشن برائٹ کیجیے تو آڈینس پھر میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنا پھر ایک نیا شو لے کر آؤں گا جب تک دیکھتے رہے واچ یس کے شو آن ٹی وی گلبرگہ